नमस्कार श्रोताओं, तो रूबरू हुए हैं दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों का अध्ययन विस्तृत रूप से करें निवेदन रहेगा, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज दिन भर की प्रमुख खबरें। हिमाचल के कुल्लू और मंडी जिले में भूकंप के झटके, दहशत में घरों से बाहर निकले लोग। हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू व मंडी में आज फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। दोपहर करीब 12:02 के आए भूकंप से जिलावासी सहम गए। दो दिन पहले भी कुल्लू में भूकंप महसूस किया गया था, हालांकि अभी तक किसी तरह के नुकसान की सूचना नहीं है। भूकंप के झटके महसूस होते ही कई लोग दहशत में घरों से बाहर निकल गए। हिमाचल की सीनियर महिला क्रिकेट टीम चुनी, शिमला की सुषमा वर्मा होंगी कप्तान। बीसीसीआई की सीनियर महिला टी20 टूर्नामेंट के लिए हिमाचल प्रदेश की 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी गई है। शिमला की सुषमा वर्मा को कप्तान बनाया गया है, पवन सेन को टीम का कोच नियुक्त किया गया। टीम लखनऊ में 17 अक्टूबर से टूर्नामेंट के ग्रुप डी के 6 मुकाबले खेलेगी। इसके लिए टीम लखनऊ रवाना हो गई है। टीमें हरलीन देओल, नीतिका चौहान, सोनल ठाकुर, नीना चौधरी, शिवानी सिंह, मोनिका देवी, पूजा नेगी, सुष्मिता नेगी, नीतिका चौहान, यमुना राणा, वाचुसी फिस्टा, ज्योति ठाकुर, कशिश वर्मा और प्राची चौहान को शामिल किया गया है। उच्च शिक्षा विभाग ने शिक्षा बोर्ड को नहीं दिए 44 करोड़ रुपए। उच्च शिक्षा विभाग ने हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड का 44 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं किया है। पिछले 3 वर्षों की पाठ्य पुस्तकों की स्कूलों में सप्लाई करने की यह रकम विभाग के पास लंबित है। अगर शिक्षा विभाग ने जल्द भुगतान न किया तो आगामी शैक्षणिक सत्र में किताबों की प्रिंटिंग के लिए शिक्षा बोर्ड को कर्ज लेना पड़ सकता है। 9 वर्षीय नाबालिका से दुष्कर्म का आरोप, आरोपी फरार, तलाश में जुटी पुलिस। पुलिस थाना रामपुर के तहत नाबालिका से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। आरोपी मौके से फरार हो गया है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस थाना रामपुर में दर्ज शिकायत में बताया कि 12 अक्टूबर की रात करीब 11 बजे जब अपने किराए के कमरे में था तो सेब के बगीचे से बच्ची की चीखने की आवाज़ सुनाई दी। पत्नी के साथ सेब के बगीचे में स्थित क्वार्टर की ओर गए तो बच्ची की चीखने की आवाज़ आई। क्वार्टर का दरवाज़ा धक्का देकर खोला तो आरोपी नानक, जिसे अच्छी तरह से जानते थे, वो बच्ची के साथ गलत काम कर रहा था। पड़ोसियों को देख आरोपी मौके से फरार हो गया। नेपाली मूल के शिकायतकर्ता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ पुलिस थाना रामपुर में भारतीय न्याय संहिता की धारा 65(2) और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस फरार आरोपी की तलाश में छापामारी कर रही है, अभी तक वो पकड़ में नहीं आया है। पुलिस ने नाबालिका का मेडिकल करवा आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। DSP रामपुर नरेश शर्मा ने पुष्टि करते हुए बताया कि नाबालिका से दुराचार कर आरोपी मौके से फरार हो गया है। 2 दिन हमीरपुर प्रवास पर रहेंगे CM सुखविंदर सिंह। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू 19 और 20 अक्टूबर को हमीरपुर प्रवास पर रहेंगे। प्रवास कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री 19 अक्टूबर को दोपहर बाद लगभग 1:15 बजे NIT हमीरपुर के हेलीपैड पर उतरने के बाद सर्किट हाउस पहुंचेंगे। लगभग 2:30 बजे हमीरपुर के बस स्टैंड पर रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा का अनावरण करने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर राधाकृष्ण राजकीय मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेंगे। वहीं 20 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे मुख्यमंत्री पक्का भरोह में नगर परिषद हमीरपुर के स्ट्रीट फूड हब और अन्य विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद CM जोल सप्पड़ में डॉक्टर राधाकृष्ण राजकीय मेडिकल कॉलेज के सभागार और प्रधानाचार्य आवास की आधारशिला रखेंगे तथा उसके बाद ग्राम पंचायत पुतुड़ियाल के गांव बैरू में कार्यक्रम में भाग लेंगे और जन समस्याओं की सुनवाई करेंगे। नरेश चौहान का जयराम ठाकुर पर पलटवार, बोले केंद्र ने 1500 करोड़ की मदद नहीं टैक्स का पैसा दिया। मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार मीडिया नरेश चौहान ने कहा कि जो पिछली सरकार अपने कार्यकाल में कर्मचारियों के हितों का ध्यान नहीं रख सकी, उसके नेताओं को वर्तमान सरकार के खिलाफ बेवजह बोलने का अधिकार नहीं है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के उस बयान को हास्यास्पद बताया, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार को केंद्र से मिली 1500 करोड़ रुपए की मदद के लिए केंद्र सरकार का धन्यवाद करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह कोई विशेष आर्थिक पैकेज या सहायता नहीं है, अपितु यह करों के रूप में हिमाचल का शेयर है जो उसे मिलना ही था। इसके लिए केंद्र सरकार का आभार करने की आवश्यकता नहीं है। चौहान आज राज्य सचिवालय में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे।
नेता प्रतिपक्ष बोले, सीएम की पकड़ ढीली, बजट अनुमान की बैठकों में भी नहीं पहुंच रहे हैं अधिकारी। मंडी विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर आए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री की सरकार और अधिकारियों पर कोई नियंत्रण नहीं है, जिसके कारण प्रदेशवासियों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश के विभिन्न विभाग के सचिव, विभागाध्यक्ष और अधिकारी बजट अनुमानों के लिए बुलाई गई मीटिंग में नहीं पहुँच रहे हैं। इतनी महत्वपूर्ण बैठक से दूरी बनाना प्रदेशवासियों के हितों के साथ खिलवाड़ करना है। इस सरकार में हर कोई निरंकुश हो गया है, किसी पर भी किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं रहा है। अन्यथा वित्त सचिव के द्वारा बुलाई गई इतनी महत्वपूर्ण बैठक से अधिकारी कैसे दूरी बना सकते थे। किसी भी प्रदेश में प्लानिंग से जुड़ी बैठक अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, जहाँ पर डिस्कशन के माध्यम से प्रदेश के विकास की रूपरेखा तय की जाती है। एसएमसी शिक्षकों को झटका, 2500 पदों में नहीं मिलेगा एलडीआर कोटा। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग से भरे जाने वाले शिक्षकों के 2500 पदों में एसएमसी शिक्षकों को एलडीआर कोटा नहीं मिलेगा। सरकार के इस फैसले से स्कूलों में कार्यरत 2400 से ज़्यादा एसएमसी शिक्षकों को झटका लगा है। शिक्षकों को उम्मीद थी कि आने वाले दिनों में होने वाली इस भर्ती में सरकार उन्हें मौका देगी, इस भर्ती में उन्हें 5% कोटा दिया जाएगा, लेकिन इस बार इन शिक्षकों को इसमें शामिल नहीं किया जा रहा है। सूत्रों की माने तो इसके बाद होने वाली सीधी भर्ती में सरकार इन शिक्षकों को एलडीआर कोटा देगी। ऐसे में एसएमसी शिक्षकों को अभी इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। उच्च न्यायालय के फैसले के बावजूद नहीं मिली सैलरी। जिला कांगड़ा के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो इस ओर पिछले वर्ष 58 साल की उम्र में सेवानिवृत्त किए गए थे, उन्हें सत्यदेवी बनाम सरकार के उच्च न्यायालय के निर्णय के अंतर्गत 60 वर्ष सेवा का लाभ प्रदान किया गया था। उच्च न्यायालय के निर्णय पर कार्रवाई करते हुए शिक्षा विभाग ने 58 वर्ष में सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को दोबारा विभाग में नियुक्ति दे दी थी, परंतु नियुक्ति के बाद आज दिन तक जिला कांगड़ा के यह कर्मचारी सैलरी से वंचित है। यह जानकारी देते हुए जिला कांगड़ा के राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के जिला प्रधान राजेंद्र मनहास ने बताया कि मात्र जिला कांगड़ा के कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिली है, बाकी हर जिले में दोबारा नौकरी पर बुलाए गए कर्मचारियों की सैलरी समय पर मिल रही है। उन्होंने कहा कि जिला कोषाधिकारी ने कांगड़ा में सभी ट्रेजरी को आदेश दिए हैं कि इन कर्मचारियों के आईपी न खोले जाएं। जिला प्रधान ने कहा कि सरकार ने उपरोक्त फैसले के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील जरूर दायर की है, परंतु जब तक उसका फैसला नहीं आ जाता, विभाग में कार्य कर रहे कर्मचारियों को सैलरी से वंचित रखना बिल्कुल तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि उच्च न्यायालय के फैसले पर सर्वोच्च न्यायालय ने स्टे नहीं दिया है। दिवाली से पहले 134 पुलिस जवानों को प्रमोशन। हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग के CDS विंग के 134 पुलिसकर्मियों को प्रदेश सरकार ने दिवाली से पहले पदोन्नति का तोहफा दिया है। प्रदेश सरकार ने पुलिस विभाग के CDS विंग में 37 हेड कांस्टेबल को पदोन्नति देकर ASI के पद पर नियुक्ति दी गई है। इसके अलावा पुलिस विभाग के CDS विंग के 97 कांस्टेबल को पदोन्नति देकर हेड कांस्टेबल बनाया गया है। तो ये रही आज दिन भर की प्रमुख खबरें। ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।